कई लोग पूछते हैं रुद्राक्ष का पानी, कहीं कहते हैं गुरु जी की बेलपत्री की जड़ का पानी, कहीं कहते हैं पीपल की जड़ का पानी, कभी कह देते सफेद दुर्वा का प्रयोग करो, कभी कहते हैं शिवजी पे जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, कभी कहते हैं रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाओ, फिर उसको रात भर गलाने के बाद उसका जल शिवजी पे चढ़ाओ, उसका जल पियो, क्यों नहीं? शिव महापुराण को सुन सुनकर कई डॉक्टरों ने कई जगह पर रुद्राक्ष का रिसर्च चालू हो चुका है महाराज, और रुद्राक्ष का रिसर्च हो रहा है कि ये सियोर वाला महाराज कथा में इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि रुद्राक्ष का पानी पीने से बीमारी ठीक होती है, बेलपत्र खाने से बीमारी ठीक होती है, तो कई डॉक्टर कई रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं केवल रुद्राक्ष पर कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि जल पीने से बीमारी ठीक हो जाती है, तो कई दिल्ली के रिसर्चों ने मुंबई के रिसर्चों ने रिसर्च सेंटरों ने रिसर्च में निकाला कि बाकी के पानी में और रुद्राक्ष के पानी में क्या अंतर होता है। आप भी यूट्यूब पर आप भी फेसबुक पर निकालना, कई डॉक्टरों ने रिसर्च निकाल निकाल कर डाल दिया कि रुद्राक्ष के जल में वो बल है कि शरीर में कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे गलना समाप्त हो जाता और आनंद हो जाता। बेलपत्री में एक बेलपत्री में वो आप में भी कई बैठे होंगे जिनकी शुगर की दवाई चलती थी, जिनकी बीपी की दवाई चलती थी, ब्लड प्रेशर की चलती थी, घुटने का दर्द होता था, तकलीफ होती थी, कई बैठे होंगे ऐसे जिन्होंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और धीरे 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 घुटने का दर्द, कहीं शुगर, कहीं बीपी सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। कितने लोग बैठे जरा हाथ उठा, ये देखो ढेर बैठे हुए, यही कि आप भक्ति का बल कितना प्रबल है। रखिए रखिए ये शिव कृपा शंकर की बात, क्या ऐसा बेलपत्र में, क्या ऐसा रुद्राक्ष में? और शुरू शुरू में जब कथा कहना चालू करी और बेलपत्री खाने का बोला और रुद्राक्ष का जल पीने का बोला तो इतना हंगामा खड़ा करा राम, इतना हंगामा खड़ा करा कि सियोर वाले महाराज को रुद्राक्ष का पानी पीना पड़ा। एक अंग्रेज ने उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है अच्छी चीज का सबसे पहले विरोध होता था, फिर धीरे धीरे लोग उसको एग्जिस्ट करने लगते हैं, फिर विरोध खत्म हो जाता है, फिर निवेदन चालू हो जाता है, अच्छा हुआ जो बेलपत्र मिला, अच्छा हुआ जो रुद्राक्ष मिला और उसका जल पीकर हमने इतनी बीमारियों को समाप्त कर लिया। विरोध, आप कुछ सुधारना चाहेंगे जीवन में तो हो सकता है कि विरोध, घबराना नहीं है। इस वीडियो में रुद्राक्ष का पानी, बेलपत्र का महत्व और पीपल के पेड़ के जड़ का महत्व, बेलपत्री के जड़ का महत्व बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय।